एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सर? वेलकम बैक टू माय चैनल फिट होम मेकर जर्नी में। तो मैं हूँ शुभश्री। तो आज मैं एक हेल्दी डोसा बनाने जा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो डोसा के लिए मैंने लिया है चावल यूज़ करूँगी, और यहाँ पर मेरा मल्टीग्रेन दाल है वो यूज़ करूँगी, और ये है दलिया। सो मैं दलिया भी इसमें डालूंगी। और भी बहुत कुछ डालना चाहती थी, लेकिन आज इतना ही बनाऊंगी। और इसके साथ हम लोग मटर आलू की सब्ज़ी खाएंगे, तो वो भी हेल्दी तरीके से बनाऊंगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसमें कुछ भी आप लोग डाल सकते हो, जैसे कि आप छोले डाल सकते हो, ब्लैक चना दाल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे हेल्दी तरीका आप लोगों को पता है। लेकिन चावल और जब डाल रहता है तो ये डोसा तो अच्छा बनता है, सो इसलिए मैं डाल रही हूँ। ओट्स मैं देखती हूँ बाद में डालूँगी, अगर मुझे चाहिए तो ओट्स भी बाद में डालूँगी इसमें। तो चलिए सबको मिक्स कर लेते हैं और इसको पानी में सोक करने के लिए छोड़ देते हैं 8 आवर्स तक। तो मैं डिनर करूँगी तो इसलिए अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दलिया भी डाल दिया है और चावल भी ले लिया है, तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं सोक करने के लिए। और इस दाल में भी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो अभी इसको रेस्ट करने देते हैं 6 to 8 आवर्स, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो डिनर के लिए हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा सोप होके। हेल्दी डिनर बनाने के लिए यहाँ पे चावल और दलिया को भिगो के रख दिया है। यहाँ पर जो मल्टीग्रेन दाल है इसको भी भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे करी बनाऊंगी, तो सफ़ेद मटर और काला चना इसको भी भिगो के रख दिया है। बस इसका करी बनानी है और इस दोनों का डोसा बनानी है। तो चलिए देखते हैं आज का मज़ेदार डिनर कैसे बनता है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बहुत अच्छा लगेगा। डाइट प्लान में इसको ज़रूर यूज़ करना, मैं भी कर रही हूँ अभी। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो रेसिपी है कैसा बनता है।